हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार इस समय। तो भाई डिलीवरी विलीवरी हो गई है पूरी, अपने सिस्टम सेट है। अब लेके इसको निकल रहा हूं यहां से। और जरा भाई कह रहा था कि थोड़े से फूल वूल और लगा दूं मैं साइड में। और एक चीज़ देखो, एक क्रेटा अभी ब्लैक वाली डिलीवर हुई है, एक ये अपनी डिलीवर हो रही है, उसके अलावा ये भी कितनी है टोटल? ओ भाई साहब, मतलब देख रहे हो यार क्रेटा का हाल दबा के। और एक चीज़ स्पेशल वाली क्या है, बेस मॉडल पे सबसे ज़्यादा मारा मार है, और जो अपना है सिर्फ अपना ही अपना बेस मॉडल डिलीवर हो रहा है, बाकी कोई ईएक्सा नहीं तो उससे ऊपर वाले हैं। यही चीज़ है ना, शॉर्ट नोटिस पर गाड़ी डिलीवर करवाना, ये भाई बहुत सीरियसली बहुत ज़्यादा टचिंग वाली बात थी। तो भाई करते हैं अपने पॉप को अनलॉक और निकलते हैं यहाँ से। अभी अपना फास्टैग रह गया है और यहाँ पर आऊँगा, फास्टैग को जब गाड़ी खड़ी करूँगा ना तब लगा लेंगे, वैसे एक्टिवेट तो हो गया है अपना बस। टिंग 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 टिंग, ये हो गया सिस्टम सेट। अब इसको लगाते हैं, यहाँ क्लच दबाया और क्या बात है, जय श्री राम, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है भाई साहब। इसको करते हैं अपने एसी ऑन, हाँ सेट हवा, बहुत बढ़िया। ओए लाजवाब, बिल्कुल मलाई की तरह चलती है भाई। यह चीज़ है इनके पेट्रोल इंजन, डीजल तक इनका इस समय जो नया अपडेट आया, चाहे वरना की बात करें चाहे क्रेटा की बात करें, वो आरटीएम मलाई की तरह बिल्कुल बहुत स्मूथ है। ओए होए 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 मलाई वैसे अभी गुरु गुरु की आवाज़ आ रही है भाई। पक्की बात है, जो इसके टायरों में हवा है ना वो ज़्यादा भरी हुई है। अभी ऐसा करूँगा, जैसे शॉप पर पहुँचूँगा तो वहाँ टायरों की हवा भी सेट करवाऊँगा। नई गाड़ी का फील ही अलग होता है यार, उसको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते, ज़बरदस्त मज़ा दे रही है। तो भाई आ गई है सवारी कहाँ, वहीं अपनी अभी दिखाता हूँ, साई कार शॉपी पे, जहाँ आपने देखा सारे के सारे अपने वीडियो डन हुए हैं ना। इस चाबी को इसमें यहीं रख देता हूँ अपने फ्रॉन्क्स के, इसको करते बंद, अब निकलते हैं। इधर देखो दो जो इस समय भिड़न तोड़ी है तगड़ी है, दोनों एक ही खानदान की, लेकिन इन्हीं में चल रहा है ना तगड़ा सीन। ये भी बिल्कुल नई वाली है, अभी न्यू जनरेशन, ये देखो ना, और साथ में ये, इसी पे लोग कंफ्यूज होते हैं ना, क्रेटा ले सेल्टोस ले, वही है सीन। चलो भाई इसमें करवाते हैं अब जल्दी जल्दी काम शुरू, क्योंकि दिन रहते रहते मैं चाह रहा हूँ काम निपट जाए ना। भाई देखो फ्रंट से, ये देखो एक चीज़ है जो ये ले लेता है ना वो, उसको ये फील होता है ये अच्छी लग रही है ज़्यादा है ना। लेकिन जब आदमी दोनों का मतलब कुछ नया लेने की सोचता है तब पूरा कन्फ्यूज़न रहता है, ये भी अच्छी लगती है ये भी, यही तो खेल है। तो यह आ गया हमारा उस्ताद है भाई, पहली क्रेटा अपनी, आए खुशी देख रहे चेहरे पे। तो भाई हो गई है काम चिपकाने की, चिपकाने तुम चिपका ही दो आज है, चिपकाएंगे फुल क्या क्या लग रहा है अपना चिपकाने का है, क्या क्या सब, हैंडल क्रोम हो गया, और विंडो गार्निश हो गई, ओके रिपोर्ट, वाइजर हो गए, रूफ रेल लग जाएगी, चिपकाने का यही है सब। अभी चिपकाने का जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो, क्योंकि भाई धूप चाहिए, मतलब गर्म होना चाहिए सरफेस, उसके बाद बढ़िया तरीके से चिपकता है ना, स्टिक बढ़िया है। तो जल्दी जल्दी निपटाना चिपकाने का, फिर उसके बाद अपने ये लग जाएंगे नीचे यार, उसका बड़ा वो हो रहा है मुझे, पीछे पार्सल ट्रे मिल जाती नहीं मिली, अरे ब्लैक है उनके पास, ब्लैक ही आता था ना, अब ग्रे कर दिया इंटीरियर, तो ब्लैक वाला है। चलो मंगवा लेंगे वो ऑनलाइन ऑर्डर करके छुटा दे, अब हंस रहे हैं बिल्कुल, आज खुशी अलग है भाई, मेरे लिए इसको शादी से बुलाया है यार, छुट्टी मार रहा था भाई, कल इससे बात करी थी, छुट्टी मार रहा था आज। ओए हो, अरे शाबाश, क्या बात है, यहाँ इसीलिए तो दिल खुश हो जाता है, जो कोई नहीं लगा रहा प्राइमर वो हमारे प्रिंस भैया लगा रहे हैं प्राइमर, दिल बहुत बड़ा है यार इनका, देख रहे हो भाई प्राइमर से ये होता है, ये जैसे लगाते हैं ना एकदम से उड़ जैसा जाता है, लेकिन वहाँ से रफ जैसी हो जाती है जगह, और ज़बरदस्त वो हो जाता है पकड़, जो कहते हैं ना कंपनी वाली चीज़ छूटती नहीं है कभी, वो इसीलिए क्योंकि कंपनी वाले जो लगाते हैं ना उसके साथ में प्राइमर आता है, वो लगा के लगाते हैं इसे। बस हिट, बस। तो भाई साहब रूफ रेल भी अपनी सेट हो गई हैं, इधर वाली तो चिपक गई है पूरी, लेकिन ये चिपकने वालियों का झाड़ ही रहता है, मतलब ये है देखो अच्छे से चिपका दें बिल्कुल सेट वेट करके, अच्छी बात है, लेकिन जैसे जैसे सीजनल चीज़ें प्लास्टिक की चीज़ें ऐंठती भी हैं, और पकड़ के इस पर खड़े ना हो, क्योंकि आपने वॉशिंग वाले देखे जितने भी होते हैं ना, इस पर हाथ लगा के और बस फिर खींच के पकड़ते हैं, वो वहीं काम ख़राब हो जाता है इनका। तो बस इनको लगाने के बाद एक कॉशन का स्टिकर ये लगा लो कि भाई पकड़ के झूलो मत इस पर,
फिर चल जाएंगे। ये तेरी तो भाई फिलहाल का जो अपडेट है वो ये है, अपने जो वाइजर है वो लग गए हैं, विंडो क्रोम लग गई है, उसके साथ साथ डोर हैंडल पे क्रोम लग गया है। मतलब देखने में जो एक्सटीरियर की चीज़ें ऊपर से अपनी ये रूफ रेल लग गई है, बाहर से देखने में जो थोड़ा सा लुक बढ़ाती हैं चीज़ें वो लग चुकी है ना। अब आते हैं सीधा किस चीज़ पे, सबसे पहले तो जो अपनी यहाँ मैटिंग वैटिंग है वो लगवाते हैं इसमें, और उसके बाद मेन काम जो है यार वो लगना है। और वो भी होंगे ना अपने यहाँ क्या कहते हैं क्रूज कंट्रोल वगैरह। अरे वाह, तो भाई ये है अपना, देख रहे हो बिल्कुल पैक होकर। भाई ये भी मतलब डिले हो गया था माल, समझ रहे हो, उम्मीद नहीं थी कि आज ये पहुंच जाएगा। कितनी देर पहले आया ये? एक दो घंटे पहले ही आया है, क्योंकि भाई दिल्ली में भी तमाशा हो गया बिल्कुल तगड़ा वाला, बॉर्डर पे बॉर्डर ऑर्डर सील है। मैंने कहा आज ये गाड़ी लग रहा है ऐसे ही जाते, फिर अगर ये ना आता तो ऐसे ही जाते फिर। ये वही वाला है ना जो अपने में लगा था? हाँ अरे अपने में वो वाला ही लगा था ना, ऑक्टाकोर भाई, वही लगवाना था। निकालो भाई, हाँ 32 जेब जो अभी ये देखो ये सामने ये है अपने, तो इसमें लगा है 12 इंच। तो भाई पूरा का पूरा सिस्टम, मतलब पहले होता था ना फ्रेम अलग आता था, देखो क्या गजब का लग रहा है ना, ये पूरा का पूरा भाई यहाँ से यहाँ तक म्यूजिक प्लेयर ही है, पता ही नहीं लगता बिल्कुल अलग से लगाया क्या लगाया। तो ये चीज़ इसके लिए आ रही है। फ्रेम कहाँ अपना दिखाओ, जीरो। अच्छा इसमें फ्रेम नहीं लगा अपना ना कोई, उसमें पूरा वही है, इसमें इसका लिए ये वाला फ्रेम बना है। तो भाई अभी इसमें बेजल इतना इतना साइड में, इसमें भी 12 इंच का आ जाएगा है ना, वो बिल्कुल एज टू आ जाएगा, ये आ जाएगा सेट ऐसा लगेगा है। चलो ओ भाई हो गया शुरू काम क्या? अरे भाई साहब इतनी जल्दी है, धड़म धड़म कड़म कड़म, कभी नहीं करवाया मैंने, देख रहे हो इतनी जल्दी इसमें हो रहा है। लेकिन भाई कल सुबह जानी है तो करना ही पड़ेगा ये सब। तो स्पीकर की शुरुआत पहले, चलो स्पीकर देते फिर उसके बाद। हाँ वायरिंग वायरिंग इसमें पीछे हो रखी होती है या इसमें भी यहाँ पिलर तक ही है? वायरिंग पीछे होता है इसमें, चलो मारुति की तरह नहीं है, मारुति में यहाँ पिलर तक आती है फिर आगे बढ़ानी पड़ती है डोर में है ना। ओ वाह भाई वाह, इसमें देखना पूरा कवर कर रखा है, अरे कम्बल कह रहा पूरा कम्बल है वाकई में, देखो पूरी कवरिंग है इसमें। अच्छा जी इसीलिए तो इनमें डैम्पिंग की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वाला तो साल तुरंत डैम्पिंग मांगता है मारुति का। तो भाई अपने इतने सारे स्पीकर हो गए यहाँ पर फैल गए, एवटार मतलब ये भाई उस दिन भी कह रहा था कि उसकी जगह ये लगवा, लेकिन मैंने भाई वही लगाया क्योंकि यूट्यूब पे वही ज़्यादा थे है ना, लेकिन इस गाड़ी में इस भाई की मानते हैं ये लगा हुआ है। भाई लिखने में 100 वाट है लेकिन इस गाड़ी में अपने इसमें भी ये लगाया ना, तो भाई रेस्पॉन्स तो अच्छा आ रहा था, चलो मान लेते हैं इनकी भी, ये ना कानपुर बुला लेंगे फिर कोई दिक्कत आएगी, गरीब रात चलती है गरीब रात गरीब रात में तुम्हारा रिजर्वेशन करवा के इस लौंडे को साथ लेकर टूल किट उठा के चलो भाई। ओ भाई कर दिया शुरू, निशान नहीं आने चाहिए, तेरे निशान पड़े होंगे। आए ये वही है ना वो उस कैमरे के साथ जो आए थे, हाँ स्प्लाइजर टूल आज चल रहे हैं भाई। बताओ यार केवल यहाँ ये पैनल हटाने के लिए पूरा वहाँ से यहाँ तक खोल के लाना पड़ेगा, ये खुलेगा फिर ये खुलेगा है। अरे भाई बाकी यहाँ पर लैंप होती ना देते साथ में तो सही रहता, लाइट जला के होता रहता रोशनी में काम है। ये पड़ा हुआ अपने पास पता भैया, चलो अंदर पता करते हैं। अब क्या क्या खोल रहा भाई, बांधेगा अभी खोलता ही रहेगा, बांधेंगे खोले तो सही, पहले खोले खोले ही जा रहे हैं यार। ये देख ये कितना ढेर लग गया देखना जरा, हद हो गई, ये देखो कुछ काम होता हुआ दिख रहा है ना। अरे आप समझ में आया वेटिंग पीरियड इतना का चल रहा है, पेची पेच लगाने में सालों के दिन निकल जाते हैं इनके, तभी तो 40 किलो वेट बढ़ाया इसका। हाँ 40 किलो वेट पेचों में बढ़ा गया भाई, बड़े बड़े हथियार लेकर आया, क्या कर रहा है? स्टीयरिंग खोलना है, स्टीयरिंग कंट्रोल आप बता रहे थे, स्टीयरिंग कंट्रोल लग जाएंगे और क्रूज भी चालू हो जाएगा ना अपना, चलो बढ़िया। तो भाई चीज़ें निकल रही हैं अंदर से, छुपा छुपा कर रख रखे हैं बिल्कुल। ये क्या आइटम है? ये है अपना स्टीयरिंग कंट्रोल। अच्छा अच्छा ये इधर वाला है, अच्छा इसमें पूरा एक जाल सा नहीं बना होता, किसमें किया में आता ना शायद, किया में पूरा यूनिट था ये इधर, इसके दोनों बटरफ्लाई जो है पूरी बटरफ्लाई ऐसे बन जाती है, ये इधर क्रूज हो गया। और उसके अलावा और क्या है, केबल एबल क्या निकाली थी? अच्छा ये भी अपने उसी की है इसमें लगाने के लिए,
बताओ यार, मैंने अपने लिए एक्सयूवी ली, इतना पैसा खर्च किया मैंने, बलिनो ली, मैंने फ्रॉन्क्स ली, किसी में भी क्रूज कंट्रोल नहीं लग पाया। और यहाँ पर ये लिए ग्रेटा जो मेरे पास रहने भी नहीं है, उसका बेस मॉडल लिया, उसमें भी क्रूज तैयार है। क्या बात है, क्या चल रहा है, देखें क्या क्या कैमरा। करीब कितने बज जाएंगे हमें, 2 घंटे और लग जाएंगे। अभी टाइम क्या हो रहा है, 7:15 है। तो भाई 9:30 तक है प्रोग्राम अपना, 10:30 अरे 1 घंटा इसको देखते क्यों बोला। 10:30 लगेगा, लग जाता है। चलो भाई, स्टीयरिंग कंट्रोल लगना है ना, है उसमें टाइम लगेगा। अब आया है नंबर अपना किसका, स्पीकर का। क्या बताया था, एवेटार क्या वो एक्सल है ना। बाकी देख रहे हैं यार, क्या दिल पे बीतती है ये सीन देखकर। लेकिन जोड़ देगा हमें, अब तो भरोसा हो गया। क्या बात है, क्या बात है, टॉप मॉडल का बना दिया स्टीयरिंग, और रैप और हो जाएगा अच्छे से निकले हुए। कहाँ ये इधर का ये हो गया सिस्टम पूरा, और इधर का ये हो गया है। अच्छा, ये इसकी एग्जिस्टिंग और इसमें दूसरे लग जाएगी। हाँ, वायरिंग पीछे लगा दी और क्या। अच्छा ये रहा, अब कितना भारी स्टीयरिंग है यार इसका, मारुति का कुछ भी नहीं है वजन, देखना जरा। तभी तो 5 स्टार लाइट लेके आई है। गजब का भारी है यार ये। लेकिन एक चीज़ है भाई, जितने में ये दो चुड़िये सी हैं ना इसकी केवल और वायरिंग के साथ, उतने में मारुति का पूरा का पूरा स्टीयरिंग है। उसमें ऐसा ही हो जाता है, एक तो पूरा स्टीयरिंग ही चेंज हो गया, और दूसरा बिल्कुल टॉप मॉडल वाली रैप रूप भी अपनी आ जाती है उसमें, है ना। लेकिन इसमें ये दो चुड़िये सी लगाओ, ऊपर ये वायरिंग लगाओ, ये अपना कितने का बैठ जा रहा है सिस्टम, 6,500 रुपये का बताओ। ये खाली शायद मुकण ते आउणी ही ना, एह गल्ला ने जो भाई साहब फिटिंग हो गई है पूरी की पूरी। यहाँ पर देखो स्टीयरिंग हो गया मस्त पूरा टॉप मॉडल वाला। लेकिन अब काम जो है वो जुड़ते ही जा रहे हैं। अब क्या है, यहाँ पर जो अपनी वो आता ना सनग्लास होल्डर, कहाँ है भाई, ये रहा अपना सनग्लास होल्डर, ये लग जा रहा है। क्योंकि यार बड़ी ही गाड़ी है, बड़ा कैबिन है, यहाँ पर लैंप की ज़रूरत पड़ती है। अब लैंप के साथ साथ ये पूरी यूनिटी लगनी है अपनी, ये लग जाएगी। और ये चीज़ अच्छी हो जाएगी कि माइक वाइक यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा कहीं, माइक इसी में पीछे हो जाएगा ना, जैसे टॉप मॉडल में आता है ना, मतलब साथ में जब आता है तो भाई ऐसे ही इसमें फिट हो जाएगा। और क्या चीज़ बच रही है अब, ये स्टीयरिंग कवर, स्टीयरिंग कवर है, पीछे कैमरा है भाई, इसकी हालत देखो। मैंने जैसे स्टीयरिंग कवर का उसके तोते खुल गए, अभी पीछे कैमरा भी रह गया। और टाइम क्या हो गया, टाइम दिखाऊँ आपको मैं, तो टाइम हो गया 9:30। अरे यार स्टीयरिंग कवर काफ़ी टाइम ले लेता है ना, करीब 1/2 घंटा 40 मिनट है ना, और 1/2 घंटा करीब ले जाता है यार। चलो भाई लगे हुए हैं। वैसे उस भाई ने 10:30 बोल दिया था पहले ही, अब समझ में आ रहा है उसने क्यों कह दिया था 10:30। ये काट दिया पूरा का पूरा यहाँ से। अच्छा अंदर जगह देते ही है ये, है स्क्रू वगैरह लगाने के लिए। ये क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये भी इधर बंद है, हो गया सेट, लाइट भी लग गया। खोलना, ये खुल रहा सही, नहीं नहीं ये हाँ। क्या तो भाई जो सोच रहे थे वही हुआ, देख रहे हो जरा टाइम 11 बज गए हैं, और अभी भी मैं ये करीब 15 मिनट पहले वीडियो एंड कर देना, क्योंकि सामने से बारात आती दिख रही है और वो कर देगी यहाँ पर काम खराब, कुछ कर नहीं पाएंगे हम। तो भाई क्या क्या चीज़ें लग गई हैं अपनी वो एक बार दिखा देते हैं आपको अनलॉक करने से। तो देखो सबसे पहले तो बाहर से देख लो यार, ऊपर रूफ रेल, रेट बताओ, रूफ रेल 2100 रुपये। यहाँ पर ये क्रोम लग गया है, लीक का लगा हुआ है ना, लीक का। हाँ ये कितने का, डोर हैंडल 800 रुपये। 800 वाइजर कैल्यू का लगे, तो वाइजर कितने का, वही करीब 1300 रुपये। 1300 रुपये ठीक। अब ये लग रहा है अपने यहाँ पर वाइजर गार्निश, हाँ ये गार्निश भी यहाँ लग गई है 900 रुपये। ये 900 रुपये, चलो ये हो गया सेट यहाँ। अब एक बार ये देखो करना, हाँ ये अंदर जो लैंप वैम्प है ये हो गया चेंज, ये आगे भी लैंप अपना यहाँ पर लग चुका है ना सनग्लास होल्डर। ये कितने का, 3,500। 3,500 3,500 रुपये का ये हो गया यहाँ पर ये लैंप, ये तो 50-50 रुपये के होंगे बल्ब। हाँ बल्ब, हाँ ठीक हो गया ये है। बाकी और जो चीज़ चेंज हुई है, पीछे अपना कैमरा लग गया है ना पीछे, ये देखो ये अपना यहाँ पर लग गया कैमरा मस्त ठीक।
अब इसको दिखाते भी हैं। और उसके अलावा अब आपने मैट भी लग रही है ना? हाँ, मैटिंग भी लग रही है। देखो मैट ये रखी है यहाँ पर भाई, है जबरदस्त। अपनी वाली जो गाड़ी है ना बलिनो, उसमें ना कंपनी से लगवाई थी मैट, 3,000 रुपये की थी, लेकिन उसमें मजा नहीं आया। उसके बाद मैंने ये वाली लगवाई है और बहुत बढ़िया फिटिंग है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। और वो वाली नई की नई मैंने अपने उसमें से, ये फ्रॉन्क्स में से ना, फ्रॉन्क्स में से बलिनो मुँह पे आ रहा है क्योंकि सेम वही बलिनो वाली लग रही है उसमें। तो ये वाली मस्त है, अभी ये इसमें फिट होने वाली है। और सीट कवर का टाइम है नहीं, सीट कवर टाइम नहीं तो सीट कवर भी लगवा लेते हैं इनसे, क्योंकि भाई रात इतनी हो गई इन्हीं कामों में, समझ रहे हो। अब उसके अलावा ये क्या लाइट जलती रहती है क्या इनमें? लॉक करना, अरे यार ये भसड़ कर दिया यार। पहले पता है क्या होता था, जब हेडलैम्प ऑन करते थे, पार्किंग ऑन होता था, तब ये लैम्प जलते थे। अब देखो मैं यहाँ से अनलॉक करो, अब जले नहीं, चाबी लाया। अच्छा ये खुलते ही देखो, ये खुला, ये सारे के सारे जो है अपने ये जलने लगे। और अब क्या बचा अंदर, ये स्टीरियो देखो, ये स्टीरियो अपना यहाँ पर हो गया फिट। ये क्या बात है, ये देखो ये अपना स्टीरियो हो गया फिट। जो अपना वो वाला लगा है फ्रॉन्क्स में, वो है अपना 9 इंच में है ना, ये उसी का ही सेम प्रोसेसर 10.33 इंच में लगा हुआ है। और बाकी अगर प्रोसेसर वगैरह की बात करें तो इसमें भी अपना कहाँ से ये रहा, सेम अपना बिल्कुल वही है। आपको वो मैंने दिखाई रखा है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले, 2GB 32GB है ना, और साथ में अपने यहाँ पर लगा दिया वो एवेटार के स्पीकर, कोएक्सल है, बढ़िया। ये कितने का है अपना? अप्रोक्स 21,000 रुपये का ही है। देखो ये विद फ्रेम है अपना, यहाँ पर पूरी फिटिंग है सेट तरीके से। और ये अपना 360 कंपैटिबल है, हाँ, है ना, हाँ। इसमें सिर्फ किट लगेगी एक एक्स्ट्रा, वो कितने 7,000 रुपये की किट है, इसी में अपना 360 चालू हो जाएगा। अगर 360 नहीं लगवाना तो जैसे हमने लगा रखा है, ये देखो ये करा, ये आ गया रिवर्स कैमरा। ये भी रात का समय देखो, आर्टिफिशियल लाइटिंग में ये हाल है, दिन में तो जबरदस्त। ठीक, ये है कहानी। और इसी में चाहे हम फ्रंट भी लगा सकते फ्रंट हैं, फ्रंट भी ला सकते हैं, है ना। हमें 360 किट नहीं लगानी, ये 7,000-8,000 रुपये खर्च नहीं करने, तो ये रिवर्स कैमरा के साथ एक फ्रंट कैमरा, अपनी मर्जी है कौन सा वो भी इसमें लग जाएगा, फ्रंट और रियर व्यू अपना इसमें देख सकते हैं जो कि जरूरी होता है। और बिल्कुल ऐसे रिवर्स लगाएंगे, रिवर्स चालू होके, और जैसे ही फिर ये फ्रंट गियर लगाते हैं वो आगे का व्यू दिखाता है 5 सेकंड के लिए, बिल्कुल कंपनी की तरह। ठीक, वो हो गया। उसके अलावा आया अपने यहाँ पर ये कंट्रोल्स, ये भी नहीं थे ना इसमें, अब ये कंट्रोल वगैरह अपने चालू हैं, ये देखो सारे ये भी चालू है। उसके साथ साथ क्रूज़ भी चालू है। अब क्रूज़ कैसे देखो, वैसे तो चलते हुए मिनिमम 30-35 की स्पीड चाहिए, लेकिन आपको दिखा देता हूँ। ये क्रूज़ कंट्रोल कंडीशन नॉट मैट भाई, एक्टिवेट है इसीलिए लिखा हुआ रहा है। बाकी अभी जब चलाऊंगा तो बाकी रेडी रेडी तो है बिल्कुल, ओके रिपोर्ट है ना। स्पीकर कितने के आपने? स्पीकर आपका वही 3600 3600 का पेयर है ना। और इसमें चारों डोर में अपने लगे हैं और ठीक ठाक आवाज़ आ रही है इसका, क्योंकि प्रोसेसर अच्छा है तो ट्विटर की उतनी ज़्यादा लोड जैसी लग नहीं रही। और उसके अलावा जो अपने ये है म्यूजिक सिस्टम के रेट बताई हुई आपने, कंट्रोल्स के रेट क्या हैं? कंट्रोल्स आपका 6,500 एक्टिवेट सब करके देंगे, हाँ। और बाकी रूफ रेल के रेट तो बताई थी ना, ऑलमोस्ट चीज़ें हो ही गई हैं। ये अपना ये कितने का, ये छोटा सा आइटम 350 का, ठीक है, हाँ। और भाई एलॉय काफ़ी ज़्यादा ढूंढे मैंने यहाँ पर ना, वो वाले जो आते हैं नाइट एडिशन में आ रहे थे अब तक, तो वो वाले एलॉय यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाया अभी हो ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे टायर चेंज नहीं करवाना, सीधा डायरेक्ट फिट करवाना है 16 इंच में ही, तो वही चॉइस बचती है जो काफ़ी इस पर ट्रेंडी से लगता है, वो समय हो नहीं पाया। वो तो कभी भी लगवा लेंगे, ऐसा दिक्कत नहीं है कि नई में ही लगवाना है, क्योंकि टायर चेंज होनी ना, टायर की कोई भी कंडीशन होगी कितना भी चला हुआ होगा सीधा फिट हो जाएगा, वो लग जाएगा अपना। और भाई एक चीज़ बची अपनी, क्या यहाँ पर ये LED लगनी थी इसमें, अब तो टेंशन फ्री था क्योंकि लो बीम हाई बीम के लिए दोनों अलग अलग है। लेकिन एक कहानी, जब तक हमारा ऊपर ऊपर रहता था ना सिस्टम इन हेडलैम्पों का, तब तक तो हो जाता था ऐसे हाथ डाल के, लेकिन अभी इतना नीचा हो गया है कि भाई इसके लिए इसको यहाँ से खोलना पड़ेगा तब हाथ डाल के होगा, जो कि टाइम ले लेगा, और वो हमारे पास इस समय है नहीं है, टाइम इस समय है नहीं बिल्कुल। थोड़ा सा दे दो या कुछ भी मांग लो, वो दे दूँगा रात के समय टाइम नहीं दे पाऊँगा तो भाई ये टाइम ले लेगी LED वगैरह, टाइम लगे, चलो एक घंटा लग जाएगा, घंटा भर लग जाएगा, चलो भाई पूरा बंगला खोलना पड़ेगा ना, चलो कोई नहीं, अगले चक्कर के लिए बच जाएगा। अब अपना बच क्या रहा है, एलॉय बच रहे हैं, सीट कवर बच रहे हैं, और ये LED ये सारी चीज़ें हो गई है। और अपनी जो क्रेटा है वो रंगत दिखाने लगी है पूरी, ये देखो ये देख रहे हो जलवे अलग ही आ रहे हैं ना,
मस्त। तो ये हो गया, और बाकी रियर का लुक देखें तो जे बात। मुझे डर था अंदर की भाई देर हो जाएगी, और हो गई। अभी तो मैं इसे लेकर जाऊंगा, इसमें टैंक फुल करा के रखूंगा, क्योंकि सुबह सुबह मुझे जल्दी निकलना है। और अभी 11 बज रहे हैं, अब घर पहुंचने में टाइम लगेगा, मुझे करीब 12:30-1 बज जाएगा सोते सोते। और समझ लो मुझे फिर से गाड़ी पिक करनी है, अभी मुझे जाकर शोरूम में खड़ी करनी है ये, क्योंकि मैं घर नहीं ले जाऊंगा। पता ही आपको क्यों नहीं ले जा रहा, दिखाने नहीं है वहीं। पहले से लेकर जाऊंगा शोरूम, अपने वहां से फ्रॉक्स उठाऊंगा, घर जाऊंगा, फिर सुबह वापस इसे लेकर सीधा अपने निकल पड़ेंगे कहाँ, कानपुर के लिए। तो ये पूरी प्लानिंग है, बाकी कल जो होता है वो मज़ा आएगा। नंबर वंबर मेरे को आ ही गए वहाँ के लोकल शोरूम के, एक के तो वहाँ जाके बात करेंगे, क्या होता है मौके पे दिखाऊंगा, और क्या रिएक्शंस होते हैं उनके, दीदी के, जीजू के, ये गाड़ी देखे वो भी आपको बताएंगे। हाँ सही है रिपोर्ट, चलो भाई मज़ा आना चाहिए। बाकी ये सब कुछ अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार चैनल को। जय हिंद।